कर्मों का फल कैसे मिलता है, बुरे कर्मों के फल के उपाय क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल मेरी आवाज में। हर कोई अच्छे या बुरे कर्म करता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में किसी का बुरा कर बैठते हैं तो उसका फल बुरा ही मिलता है, लेकिन जानबूझकर बुरा करने पर उसका बुरा ही फल मिलेगा। आइए जानते हैं कर्मों का फल कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसी करनी वैसी भरनी, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे होती ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश की भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिन छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, दो आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है।
जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आ। सेठ जी दौड़कर गए तो आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाए, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया, अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुराने और पूरा गांव रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ कहता है, महात्मा जी जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ मेरा बेटा मरा है तो और कौन रोएगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हां, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा कहते हैं, अरे जिस दिन फौजी मर गया सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, हां महाराज खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात? महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा ने कहा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोले, महात्मा ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया ये जरा सी बात है। महात्मा कहते हैं, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा देने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में लिखने में खाने में पहनने में और शोक में श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब दो आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको दे दिया। वेदों व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वे आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशनल सुविचारों के लिए हमारी चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।